स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। मैं आपको झींगी पार्सल बताने जा रही हूँ। मैंने एक कढ़ाई में नमक डाल के उसको गैस पे रख दिया है कवर करके गर्म होने के लिए। अब मैंने एक बाटी लिया है और उस बाटी में 1.5 चम्मच ईस्ट मैं ऐड कर रही हूँ। उसमें 1 चम्मच चीनी ऐड करूँगी और गुनगुने पानी से मैं इसका एक पेस्ट बनाऊंगी और थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करूंगी। मैं डिफरेंस आपको बताऊंगी आज की गैस पे बनाने से, और 10 मिनट के लिए साइड में रख दूंगी। और मैं 1.5 कप के करीब मैदा ले रही हूँ, इसको छान लेंगे। 1 चम्मच चीनी, 1/2 चम्मच नमक, रिफाइंड ऑयल और जो हमने ईस्ट को बना के रखा है वो ऐड करेंगे, आप देख सकते हैं। और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसका एक सॉफ्ट डो बना लेंगे हम। हाथ में रिफाइंड लेके अच्छे से मसल मसल के और भी सॉफ्ट और अच्छे से कर लेंगे। और इसको आधे घंटे के लिए हम रेस्ट पे रख देंगे। अब एक पैन लेंगे, उसमें रिफाइंड ऑयल ऐड करेंगे और ओनियन मतलब प्याज हम एक डालेंगे और सॉटे करेंगे। गार्लिक यानी लहसुन ऐड करेंगे, अगर नहीं आप खाते हैं तो मत डालिए, इसके बिना भी बन जाएगा। अब हम एक टमाटर ऐड करेंगे, फिर नमक, कैप्सिकम, शिमला मिर्च, पीला शिमला मिर्च, अदरक, काली मिर्च पाउडर, विनेगर, केचप 2 चम्मच के करीब, पनीर, रेड चिली पाउडर मतलब लाल मिर्च पाउडर, ऑरेगानो अगर नहीं है तो तुलसी जी का पत्ता और पुदीना आप डाल दीजिए, जो कि मैं डाल रही हूँ आप देख सकते हैं, वही चीज काम करता है, वही चीज है भी। स्प्रेड चीज नहीं है तो मत डालिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके पास जो सब्जियां डाल सकते हैं। रेडी है, अब हाथ में ऑयल लेके इसको अच्छे से मसल लीजिए। सॉफ्ट डो रेडी है, आप इसको 2 भाग में डिवाइड कर दीजिए और इक्वल पीस कट कर लीजिए। और कॉर्नफ्लोर यानी मक्के का आटा ले लीजिए, नहीं है तो ब्रेड क्रम्स ले सकते हैं, वो भी नहीं है तो सूजी और मैदा मिक्स करके ले सकते हैं। मैंने रोटी की तरह बेल लिया और उसको तीनों साइड से मैं फोल्ड कर रही हूँ। जैसा आप देख रहे हैं जो मैंने रेडी किया था पनीर का फिलिंग, वो मैं अब इसमें फिल कर रही हूँ। और ये तीनों तरफ से ऐसे लगा दीजिए। एक बेकिंग ट्रे लीजिए, उसको ग्रीस कर लीजिए और उसमें वो सारे रेडी किए हुए हैं झींगी पार्सल रख दीजिए और बेक करने के लिए गैस पे उस कढ़ाई में रख दीजिए जिस कढ़ाई को आपने पहले ही हीट करने के लिए रख दिया था, मतलब गर्म होने के लिए रख दिया था। पहला काम ही आपको करना है कि पहले गैस पे कढ़ाई को रखना है गर्म होने के लिए। अब इस पर 25-30 मिनट लगेगा, बन जाएगा। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये ऊपर से ब्राउन ज़्यादा नहीं होता है अगर गैस पे बनाते हैं, टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं है लेकिन ऊपर से ब्राउन नहीं होगा। माइक्रोवेव में हो जाएगा, ओवन में हो जाएगा, लेकिन नीचे से हो जाएगा, ऊपर से नहीं होगा, यही फ़र्क होता है। कढ़ाई में भी बना के खा सकते हैं, इसके मजे ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ऊपर से वो
ग्राउंड नहीं होगा ज़्यादा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।